डॉक्टर ना आपके हाथ ना लगे ना उस पर बिजी हूँ, तो आप ये रेमेडी खुद भी बना सकते हैं होस्टिंग करते हैं। मैं बहुत गौर से आप ये रेमेडी ने आपने ट्राई जरूर करनी है रेमेडी, और फिर आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि इससे आपको इफेक्ट हुआ कुछ मैं के ना जरूर करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर हर्बल और कोई ऐसी घरेलू चीजें जो है ना वो लगा ले, क्योंकि अब उम्र ऐसी रही नहीं है कि ज्यादा तजुर्बे इस पे खर्च किए जा सके। पता है कि ये चीजें अच्छा नुकसान कोई नहीं देती है, क्योंकि इसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और यहाँ बड़ी कंट्रोल आपको इसकी कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अभी आपको जो बताया है कि आप लगाएंगी तो आपको जलन बर्निंग कुछ भी ऐसा नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली एक नेशनल टीवी पे जनरल टीवी पे मैं खड़े होकर बता रही हूँ, मैं कस्टमाइज तो यहाँ नहीं बता रहे, तो मुझे सेफ यहाँ पे लोगों को एडवाइस देना है ना। तो ये मैंने एक टेबल स्पून मसूर की दाल का पाउडर ले लिया। चले जी, रेमेडी बिलाखिर तैयार होना शुरू हो गई। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसको मैंने मिल्क में डिसॉल्व कर लिया। अच्छा, जो हमारा नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क। ये मिल्क आपने तकरीबन टू टेबल स्पून ले लिया, टेबल स्पून डबल ले लिया उसका, ताकि थोड़ा सा थिक। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको घोल के थोड़ी देर छोड़ दें, सही, थोड़ी देर के लिए रख दें, तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, मास्क बन जाएगा, पेस्ट टाइप का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल। ओके, लेमन जूस कितना डालेंगे? हाफ टी स्पून। अच्छा, रेमेडी कार्ड आपकी स्क्रीन पर भी है, आप उसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें, जैसे पड़ा रह रहा है ना, ये खुद थोड़ा थोड़ा थिक होता जा रहा है, ठीक है। ये विद इन 5 to 10 minutes थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो आपने पहले फेस को मेकअप रिमूव कर लेना है, आपका मुंह धुलावा होना चाहिए अच्छा सा, आपने इसको सर्कुलर मोशन में लगाना है, एक दफ़ा लगाना है फेस पे, नेक पे, हाथों पे लगाना हो तो आप लगाएं, उसको ड्राई होने दें, ड्राई होने के बाद दोबारा लगाना है। मैं हमेशा डबल एप्लीकेशन इसलिए करती हूँ क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं। अगर हम क्लिनिक पे काम करते हैं तो वो सारी सिंथेटिक और केमिकल चीज़ें होती हैं, तो उसकी हम सिंगल एप्लीकेशन करते हैं और देन एंड देयर रिमूव कर देते हैं। नेचुरल चीज़ों की एफिकेसी, क्योंकि थोड़ा सा देर में आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो रही होती हैं, तो उसकी डबल एप्लीकेशन करनी चाहिए। एक दफ़ा लगाया, एक लेयर लगाई, ड्राई हुआ, दूसरी लेयर लगाई, ड्राई हुआ, जब 50% ड्राई हो जाए दूसरी लेयर, तो सर्कुलर मोशन में इसका मसाज करें, मसाज करते रहें 15 मिनट्स के लिए, इसको छोड़ दें। 15 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से या स्पंज से फेस को साफ कर लें। फिर स्टेप नंबर 2 ये है कि एक टेबल स्पून मैंने ले लिया शुगर, पिसी हुई चीनी है, शीरा उसका शीरा है, ठीक है। आपको अगर शुगर केन का जूस मिल जाए दैट इज बेस्ट। इस वक्त शुगर केन का, ये वाइट शुगर का आपने किया, ये वाइट शुगर है, ठीक है। अगर आपको गन्ने का जूस, जिसको हम कहते हैं शुगर केन का जूस, अगर वो मिल जाए तो वो बेस्ट है, वो ले लें 2 टेबल स्पून, यानी जिससे हम गुड़ भी बना रहे होते हैं जी, है ना, वही। और इसके साथ साथ मैंने 1 टीस्पून एलोवेरा इसमें डालना है, ठीक है।